समझेगा कैसे, जैसे जैसे पेट भरता जाता है वैसे वैसे दिमाग खाली होता जाता है। मामी जी अब ये सोचिए कि मामा को वहां से बुलाएं कैसे। हाँ यार आइडिया, उनके पास मोबाइल है तो मैं उन्हें मैसेज करती हूँ। फाफड़ा जलेबी के बड़े भाई, समोसे के बेस्ट फ्रेंड, दीदी और चीचा जी को साथ में बैठने का मौका दो। हाँ। जल्दी से इधर आओ। यस। एक्सक्यूज मी, मैं ये फोन निपटा के आता हूँ। जीजू सी यू सून, आता हूँ। कैसी हो तुम? अच्छी हो। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी हो तुम। अगर सिर्फ अच्छी होती तो मेरे साथ बात करने के लिए वेट नहीं करती। हाव भाव और शब्द पकड़ने की आदत आपकी गई नहीं है अभी तक। वो आदत ही क्या जो छूट जाए। तुम्हारी हंसी आज भी वैसी है। तुम्हें याद है कि पहली बार मैं तुम्हारे घर तुम्हें देखने आया था, मेरे पाँव में तुम्हारे टेबल का कॉर्नर लगा था, तुम हंस पड़ी। हाँ, हंसी तो वैसी ही है, पर हंसने की वजह कब मिलती है, और जब मिल जाती है तो वक्त निकल जाता है, फिर हंसने का मजा आता है। कभी दिल कहता है सब कुछ छोड़ के चला हूं तुम सबके पास। दिल और दिमाग की लड़ाई में हमेशा हम दोनों ने दिमाग किस। बाद में बात करें, आज न्यू ईयर है तो मेहमान भी आएंगे विश करने, प्लीज। ओके ठीक है। रोहित, आई नो यू मस्ट बी वेरी हैप्पी, इतने सालों बाद तुमने डैड से बात जोड़ी है, बट ये वही, उसने ऐसी गुस्ताखी करने की हिम्मत कैसे की? आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड, वो ऐसा क्यों कर रही है? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें इंटरव्यू और भाषण की लैंग्वेज के अलावा और कोई लैंग्वेज समझ में आती है? लिसन, मॉम और डैड के बीच में कोई झगड़ा नहीं है ना, फिर भी ये जो दूरियां है वो उनका पर्सनल डिसीजन है, पर्सनल स्पेस है। अब इसमें इंटरफियर करके मैंने अच्छा नहीं किया, बहुत बड़ी गलती की है उसने, मॉम के दिल को ठेस भी पहुंचा। सही कह रही हो तुम, मॉम और डैड के मामले में वही को दादी अम्मा नहीं बनना चाहिए। बट यू नो व्हाट, आई एम वेरी मच श्योर कि मही की आज की इस हरकत की वजह से मॉम को बहुत गुस्सा आया है, बहुत गुस्सा, और वो चुप है क्योंकि अंकल आंटी एंड फैमिली इज़ देयर। पर मॉम ने अपने दिल में जो ज्वालामुखी दबा के रखा है ना, वो आज नहीं तो कल, वो
पटेगा जरूर। अब देखना ये है, ये ज्वालामुखी फटता कातिल। सागर जी ये कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये वाला दिखाओ, ग्रीन ग्रीन ब्यूटी ग्रीन। ये तो और भी अच्छा लग रहा है। वहीं तुम डैड से बात करवाने वाली हो, ये बात मुझसे क्यों छुपाई? वो इसीलिए सागर जी, क्योंकि मम्मी जी के साथ साथ मैं आपको भी सरप्राइज देना चाहती थी, और मुझे देखना था कि पापा जी को अचानक देखकर आप कितने खुश होते हो। अरे बाबा बाबा, अरे बाबा बाबा। किसका मैसेज है? वही डैड का मैसेज है तुम्हारे लिए। अच्छा पढ़िए पढ़िए। पर यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये तो सही। लिसन, मही से कहना कि वो अपने सर को बता दे कि मैंने उसे आशीर्वाद दे दिया। अब इसका क्या मतलब? अरे बुद्धू राम, पापा जी ने तो मुझे आशीर्वाद दिए। वो जिस तरह मैंने टीवी को छूकर उनसे कहा था ना कि अपने पैरों को कह देना कि मैं उन्हें छूकर आशीर्वाद मांग रही हूँ, बस मेरे ही अंदाज में उन्होंने मुझे जवाब दे दिया। हाय आशीर्वाद तो मिलते हैं। अब समझा मैं। नए साल के पहले दिन तुमने हम सबको बहुत बड़ी गिफ्ट दी है। थैंक यू सो मच। वेलकम।